छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के गृह जिला जसपुर के पुलिस थाना पत्थरगांव के ग्राम खरडोड़ी निवासी एक आदिवासी युवती के साथ पिछले वर्ष अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पुलिस थाना आभनपुर के अंतर्गत करीब 3 आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में पीड़िता ने कई बार इधर से उधर चक्कर लगाती रही, लेकिन कहीं पर भी कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने लिखित शिकायत पत्र के रूप में पुलिस विभाग के आला अफसरों को अपनी आप बीती बताई। किसी ने उसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद पीड़िता मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया गई थी। 18 अप्रैल 2024 को पुनः जाकर उपरोक्त आवेदन को देकर इस बात की गुहार लगाई है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय आरोपियों के इशारे पर काम कर रही है और उल्टे पीड़िता को तुम झूठ बोलकर आरोपियों को फंसा रही हो करते हुए धारा 164 की बयान के लिए पीड़िता को अभनपुर पुलिस थाना बुलाकर डांट फटकार लगाई है तथा खुलेआम आरोपियों द्वारा पीड़िता को जान से ही मारकर दफना देने की बात कही जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म के पीड़ितों ने किसी तरह जान बचाकर डरी सहमी सी पुनः मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि गैंगरेप की पीड़िता के मांग के अनुरूप दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है या फिर गुजरात की बिल्किस बानो की घटना की तरह पीड़िता पर ही जुर्म बरपाए जाते हैं, इसे तो वक्त ही बताएगा। एक गरीब आदिवासी गैंगरेप की पीड़िता को न्याय के लिए 9 महीने तक दर दर की ठोकरें खाते रहना, कहीं न कहीं लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट जसपुर। सामूहिक बलात्कार हुआ था सर। अच्छा, कहाँ घटना घटा था? रायपुर में। अच्छा, उसके बाद कहाँ FIR दर्ज कराए हैं? उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं CM हाउस आई थी सर। हाँ। CM हाउस से मेरे को बोले कि पत्थलगांव जाओ। हाँ। पत्थलगांव गई, पत्थलगांव बोले रायपुर जाओ, रायपुर गई सर। रायपुर में मेरा क्या बोलते हैं FIR दर्ज किए, उसके बाद में अभनपुर थाना में, फिर उसके बाद में दूसरा दिन मेरे को 64 का बयान होने वाला था कोर्ट में, तो वहाँ गई तो वहाँ से पुलिस वाले लोग फ़ोन करके बोले कि पूछताछ करना है, थाना में आ जाओ। और थाना गई सर तो मेरे को दिन में बैठा के रखे और बोले कि तुम झूठ बोल रही, वैसा है बोल के मेरे को दिन भर परेशान किए सर। और मेरा भाई गया मिलने के लिए मेरे से, तो उसको मिलने नहीं दिए और मेरे हम लोग को बोले कि हम लोग को जानते नहीं हो कि कौन है हम लोग, और मेरे पक्ष में कोई उन लोग नहीं बोल रहे थे सर। और क्या बोलते हैं, मैं बोली कि कैसे वालों के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया गया है, FIR दर्ज हुआ है, उनको कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले सर लेकिन मतलब एक दिन पहले हो गया था सब चीज, दूसरा दिन गई तो जी मतलब आरोपी है उनको परिचय हुआ तो वो क्या बोलते हैं एकदम से अचानक से सब मतलब मेरे साइड कोई नहीं है, मेरे को बोल रहे हैं, धमकी भी दिया जा रहा था साहब, सुनने में आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलते हैं, बोले कि जान से मार देंगे आप तो, क्या बोलते हैं उनको एवरेज लाल मोहन के, हाँ हम लोग परिचय है, ऐसा है वैसा है बोल के मेरे को, मेरे भाई और मेरे को धमकाया और वहाँ से रात 10 बजे रेलवे स्टेशन मेरे को छोड़े हैं और वहाँ से अपने घर आई हूँ तो मैं CM सर के पास आई हूँ, मेरे को न्याय को उम्मीद करती हूँ सर। अब क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ सर।